पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे गर्दन के आसपास की स्किन लटकने की समस्या क्या आपको है, यानी इसको बोलते हैं टर्की नेक। इससे छुटकारा पाने के कुछ आपको उपाय बताते हैं। अगर गर्दन के आसपास की आपकी खाल, हिंदी में खाल बोलेंगे, इंग्लिश में स्किन बोलेंगे, अगर लटक गई है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हर किसी को सुंदर गर्दन अच्छी लगती है, लेकिन गर्दन की त्वचा बेहद नाजुक भी होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, गर्दन की त्वचा में भी फर्क देखने को मिलता है। गर्दन की त्वचा जब ढीली हो जाती है तो लटकने लगती है, तो इसे टर्की नेक नाम दिया जाता है। आप में कुछ बुजुर्गों के चेहरे के नीचे गर्दन वाले हिस्से में गौर किया होगा तो उनकी स्किन लटकती हुई नजर आती है। वैसे तो यह समस्या ज़्यादा उम्र के लोगों में दिखती है, लेकिन कभी कभी युवाओं में भी यह समस्या देखने को मिलती है। इसे हम टर्की नेक के नाम से जानते हैं। टर्की नेक कोई मेडिकल टर्म नहीं है। टर्की नेक में व्यक्ति के गर्दन की त्वचा मुलायम हो जाती है और खाल लटकने लगती है। टर्की नेक क्या है पहले समझिएगा। ये बढ़ती उम्र के कारण नजर आने वाला बदलाव है जो गर्दन के हिस्से में झुर्रियों के रूप में नजर आता है। कुछ लोगों की त्वचा ढीली हो जाती है। ऐसा तब होता है जब गर्दन की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और वह अपने खिंचाव की क्षमता खो देती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे त्वचा में कोलेजन और इलास्टिसिटी कम होने लगती है। इस वजह से टर्की नेक की समस्या हो सकती है। टर्की नेक के लक्षण क्या है। गर्दन की त्वचा अंदर की ओर जाना, गर्दन में गड्ढा जैसा शेप बनना, गर्दन की स्किन ढीली होना, गर्दन में झुर्रियां नजर आना टर्की नेक के कारण। त्वचा में कोलेजन की कमी से टर्की नेक की समस्या हो सकती है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे त्वचा में एजिंग साइंस नजर आने लगते हैं, इसलिए टर्की नेक की समस्या हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ गर्दन की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, इससे त्वचा ढीली हो जाती है। मोटापे के कारण अतिरिक्त चर्बी गर्दन पर इकट्ठी हो जाती है और गहरी सिलबटे नजर आने लगती हैं। टर्की नेक का इलाज क्या है वो आपको बता रहा हूं। टर्की नेक से छुटकारा पाने के लिए हमारे बताए आप टिप्स आजमा सकते हैं। गर्दन की त्वचा को टाइट बनाने के लिए नेक लिफ्ट सर्जरी भी की जा सकती है जो महंगी है। बोटॉक्स ट्रीटमेंट में इंजेक्शन की मदद से त्वचा का इलाज किया जाता है, जैसे आजकल बहुत सारे फिल्म आर्टिस्ट सलमान खान, आमिर खान ये बोटॉक्स लेते हैं, उनकी स्किन परफेक्ट नजर आती है। फेशियल एक्सरसाइज जैसे फोरहेड पुश और नेक लिफ्ट करने से त्वचा में कसावट आती है और झुर्रियां कम होती है। ये कम पैसे का फ्री का इलाज है, सिर्फ आपको टाइम देना है। इसमें पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपका टाइम लगेगा और वो टाइम सिर्फ आपके लिए है। तो इसलिए फेशियल एक्सरसाइज करना है, फोरहेड पुश और नेक लिफ्ट करने से गर्दन की त्वचा में कसावट आती है और झुर्रियां कम होती हैं। लेजर ट्रीटमेंट के जरिए झुर्रीदार त्वचा से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन हमारी सलाह ये होगी कि आप एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन ये लेजर ट्रीटमेंट महंगा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपकी पॉकेट के बजट में आता है या नहीं आता है। लिपोसेक्शन एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें अतिरिक्त चर्बी को हटाया जाता है। टर्की नेक के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी महंगा है। टर्की नेक की समस्या को दूर करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, हेल्दी डाइट लें, हाइड्रेट रहें और पर्याप्त नींद लें। अगर आपका लाइफस्टाइल आप चेंज करते हैं, अभी जो लोग 40 के हैं या 30 के हैं या 25 के हैं, वो लाइफस्टाइल आज से ही चेंज करते हैं तो बुढ़ापे में ये तकलीफ उनको नहीं आएगा। या कुछ बीमारी, आप मोटे हो गए थे बाद में पतले हो गए तो ये तकलीफ आपको नहीं होगा।
आपको करना है क्या, आपको लाइफस्टाइल आपको चेंज करना है, क्या चेंज करना है, आपको जितने भी बाहर के फूड हैं उनको अवॉइड कर देना है, हेल्दी डाइट लेनी है, हाइड्रेंट रहना है और पर्याप्त 8 घंटे की नींद लेनी है। मैं आपसे पैसा डिमांड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको अपनी हेल्थ के लिए आगाह कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ करेंगे तो आपकी जो झुर्रियाँ हैं गर्दन की होने वाली हैं वो नहीं होंगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।